आतंकी संगठन आईएसआईएस दहशत के मायने बदल रहा है। 15 दिनों के अंदर 2 अमेरिकी पत्रकारों के सिर काटने का वीडियो जारी किया गया है, साथ ही तीसरे के सिर काटने की धमकी भी दे डाली है। ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। I am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now. दहशत का झकझोर देने वाला ये वीडियो आतंकी संगठन आईएसआईएस ने जारी किया। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस वीडियो में अमेरिकी पत्रकार स्टीवन जे सॉटलॉफ का सिर काटते हुए दिखाया, लेकिन इस वीडियो में आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। सिर्फ कल्पना भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में बेहद बेरहमी से बंधक बनाकर रखे 31 साल के अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, और इसके लिए आईएसआईएस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को जिम्मेदार ठहराया। You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. आतंकी संगठन आईएसआईएस ने दहशत का ये वीडियो मंगलवार को जारी किया था। 15 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है। I am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. 31 साल के स्टीवन को अगस्त 2013 में सीरिया से अगवा किया गया था। वीडियो की शुरुआत में लिखा है A second message to America. इस वीडियो में आसपास बंजर जमीन नजर आ रही है। अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ के हाथ बंधे हुए हैं। वो नारंगी रंग का लिबास पहने हुए अपने घुटनों पर है। आईएसआईएस का एक लंबा चौड़ा आतंकी काले रंग का लिबास पहने हुए ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है। उसके हाथ में चाकू है। अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है। हत्या के इस वीडियो में सॉटलॉफ अपना आखिरी संदेश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। And now it is time for my message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? Am I not an American citizen? सॉटलॉफ के संदेश में नाउम्मीदी साफ नजर आ रही थी। सॉटलॉफ के बोलने के बाद वो आतंकी ओबामा को धमकी देता है। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Amr al-Zumar and the Mosul Dam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. और इसके बाद वो आतंकी सॉटलॉफ की बेरहमी से हत्या कर देता है। इस वीडियो के जारी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी घटनाओं से अमेरिका डरेगा नहीं और जल्द से जल्द न्याय किया जाएगा। Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Stephen, they have already failed. Americans are repulsed by their barbarism. We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us. And those who make the mistake of harming Americans will learn that we will not forget, and that our reach is long, and that justice will be served. दिल दहला देने वाले इस वीडियो में अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ की हत्या है, और वीडियो के आखिर में एक और सिर काटने की धमकी भी। इससे पहले ठीक इसी तरह अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की बेरहमी से हत्या का वीडियो जारी किया गया था। अमेरिकी पत्रकार स्टीवन जे सॉटलॉफ की हत्या के इस वीडियो से करीब 14 दिन पहले एक और अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की हत्या का वीडियो जारी हुआ था। ये तारीख थी 19 अगस्त। दोनों तस्वीरों में सिर्फ चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तस्वीरों में जगह एक जैसी है। दोनों ने ही ऊपर से नीचे तक नारंगी रंग का लिबास पहना हुआ है। दोनों पत्रकार घुटनों पर बैठे हुए हैं। उन्हें मारने का तरीका भी एक जैसा है। मारने वाले आतंकी का लिबास भी हूबहू मिलता है, और दोनों ही वीडियो में
धमकी भी बिल्कुल एक जैसी है। This is James Wright phoning. Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. दोनों पत्रकारों ने हत्या से पहले संदेश दिए। मुमकिन है उनसे लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट पढ़वाई गई हो। I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. But that ship has sailed. अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ की हत्या का जो वीडियो जारी हुआ है उसमें पहले बराक ओबामा का वो संदेश दिखाया गया है जो उन्होंने जेम्स फोले की हत्या के बाद दिया था। The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary to see that justice is done, and we act against ISIL, standing alongside others. जेम्स फोले की हत्या के वीडियो के आखिर में सॉटलॉफ को मारने की धमकी दी गई थी। Citizen Obama, depends on your next decision. और इस बार सॉटलॉफ की हत्या के वीडियो में ब्रिटिश नागरिक डेविड कॉथोन हेन्स को मारने की धमकी दी गई है। And leave our people alone. दोनों वीडियो में पत्रकारों को मारने वाला शख्स जिहादी जॉन बताया जा रहा है। कहा जाता है 23 साल का ये शख्स लंदन के नाइट क्लब में हिप हॉप गाने वाला अब्दुल बेरी और जिहादी जॉन है जो पिछले साल ISIS संगठन में शामिल होने के लिए सीरिया चला गया था। पत्रकारों की बेरहमी से हो रही हत्या के ये वीडियो इराक में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जारी किए जा रहे हैं। शायद उनका मानना ये है कि इस्लामी दुनिया में जिस तरह का रोष है या जिस तरह का गुस्सा है अमरीका के खिलाफ, अगर अमेरिका इस युद्ध में इनके खिलाफ आता है सामने, तो फिर इनको जिस तरह ऑलरेडी इनको लगभग 80-81 मुल्क हैं जिनके शहरी इनके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई को और तकवीत मिलेगी। अमेरिकी पत्रकार सॉटलॉफ की मां आतंकी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी से अपने बेटे की सलामती के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सामने आया बेटे की दर्दनाक मौत का ये वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ कर दिया है कि ऐसी घटनाओं से वो डरेंगे नहीं, अमेरिका इसे भूलेगा नहीं और आतंकियों को अमेरिका मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉल्टॉफ की हत्या का वीडियो जारी करने वाला आतंकी संगठन ISIS आखिर चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है? इस तरह के खौफनाक वीडियो जारी कर आखिर किसे और क्या संदेश देना चाहता है ISIS? And why I am appearing before you. पूरी दुनिया को सन्न करने वाला ये वीडियो कट्टरपंथी संगठन ISIS ने जारी किया है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है और यहाँ के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि एक के बाद एक उसके नागरिकों की हत्या के वीडियो जारी कर ISIS पश्चिमी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लोगों में खौफ पैदा कर देना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब करने के पीछे ISIS का असली मकसद क्या है? ISIS जिहादी सुन्नी लड़ाकों का संगठन माना जाता है जो इराक के शिया बहुसंख्यकों को खत्म कर देना चाहते हैं। ISIS का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। नाम से ही ISIS का मकसद साफ हो जाता है कि वो इराक और सीरिया में सुन्नी इस्लामिक राज की स्थापना करना चाहता है। ISIS की रणनीति बड़ी साफ नज़र जो आ रही है वो ये है कि एक तरफ जो एक सेक्टेरियन डिवाइड है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो एक अगर इस्लामी दुनिया को पोलराइज कर दिया जाए तो उससे भी इनको लगता है कि इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और इनके जो लीडर हैं जो अपने आप को खलीफा सेल्फ स्टाइल्ड खलीफा हैं वो शायद और उभर के आ पाएंगे और उनकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो शायद ये एक तरह की रणनीति है। इराक में पिछले लंबे अरसे से शिया और सुन्नी समुदायों के बीच झगड़ा चल रहा है। इराक में शिया सरकार है जबकि ISIS के चरमपंथी सुन्नी समुदाय से हैं। सद्दाम हुसैन भी सुन्नी थे, अमेरिका ने सद्दाम को खत्म कर दिया, अब सद्दाम के समर्थक भी चरमपंथी ISIS के साथ जुड़ गए हैं, शिया समुदाय के लोग उनके निशाने पर हैं। इराकी सेना जो पूर्व इराकी सेना थी सद्दाम हुसैन की, उसके कई सीनियर अधिकारी जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम जो जिहादी तंजीमें हैं दुनिया भर से उनके लिए ये एक तरह की चुंबक बन गई है, मैग्नेट बन गई है और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों को। ISIS न सिर्फ इराक के इलाकों में अपना कब्जा जमाने में जुटा है बल्कि सीरिया के जिहादी सुन्नी संगठनों को भी अपने साथ मिलाने में जुटा है। इराक का पड़ोसी सीरिया गृह युद्ध से जूझ रहा है और इसका फायदा ISIS को मिल रहा है। पश्चिमी देशों का मानना है कि सीरिया के कई कट्टरपंथी संगठन गुपचुप तरीके से ISIS की मदद कर रहे हैं।
आईएसआईएस कभी अलकायदा का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 2006 में अमेरिका और इराक की सेना ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अलकायदा को जमींदोज कर दिया था, लेकिन संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी सेना के इराक से हटते ही 2011 में अलकायदा ने दोबारा सिर उठाना शुरू कर दिया। फरवरी 2014 में आईएसआईएस अलकायदा से बाहर आ गया और अपनी अलग पहचान बनाने में जुट गया। कहा तो यहां तक जाता है कि आईएसआईएस अलकायदा को पछाड़कर दुनिया का सबसे असरदार और धनी आतंकवादी संगठन बन चुका है। आईएसआईएस की कमान इब्राहिम अवाद इब्राहिम अली अल बादरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी के हाथ में है। इराक के समारा शहर में सन 1971 में जन्मा अल बगदादी अपने शहर का धार्मिक कार्यकर्ता था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट लेने वाला और धार्मिक तकरीरें देने वाला अल बगदादी तिलमिला गया और अमेरिका विरोधी आतंकवाद की दुनिया में शामिल हो गया। अल बगदादी की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इराक और सीरिया के अलग अलग हिस्सों में उसके लड़ाकों की तादाद 30,000 से 40,000 के बीच पहुंच चुकी है। पिछले चंद हफ्तों में इनके कुछ फोरेज हुए हैं लेबनान में, जॉर्डन में, उनके सरहदी इलाकों में, यहाँ तक कि टर्की में भी इनके कुछ फोरेज हुए हैं। और ये भी माना जाता है कि टर्की के जो सीरिया के साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंतशार ऑलरेडी पैदा हो चुका है। अमेरिकी सेना के मुताबिक अल बगदादी का कद ऐसा नहीं था कि उसे बहुत बड़ा खतरा माना जाए, लेकिन एक अमेरिकी सेना के अधिकारी के मुताबिक साल 2009 में जब उसे छोड़ा गया था तब उसने ये धमकी दी थी कि अब मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में देखूंगा। तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन आईएसआईएस की बढ़ती करतूतें और अब उसकी तरफ से जारी हुआ हत्या का ये नया वीडियो बता रहा है कि अल बगदादी के इरादे क्या हैं।